एक ऐसी सास जो अपनी बहू पर बहुत अत्याचार करती है। अगर बहू कोई भी काम करती तो सास उसे बिगाड़ देती। एक दिन रीमा खाना बनाकर अपने कमरे में जाती है, तभी वहां पर उसकी सास नीलम आती है और सब्जी में नमक तेज कर देती है और अपने मन में कहती है, अब देखते हैं ये अपने खाने से कैसी तारीफें लूटती है। और ये कहकर वो वहां से चली जाती है। क्या नीलम अपनी बहुओं पर ऐसे ही अत्याचार करती रहेगी या फिर उसकी बहुएं उसे सबक सिखाएंगी? तो देखते रहिए अत्याचारी सास। अरे रीमा कहाँ मर गई? अभी तक खाना नहीं बन पाया का? कब से भूखी बैठी हूँ, यदि हमका खाना ना मिला तो हम तो मर ही जाएंगे। अरे माँ जी आप ऐसा क्यों कह रही हैं? बस खाना बन गया है, मैं अभी आपके लिए खाना परोस कर ले आती हूँ। लागत है हमारी चिल्लाई का असर कम हो रहा है, इसीलिए ऐसे काम धीरे हो रहे हैं। अपनी बड़ी भौजी को देखो, वो कैसे काम कर रही है, क्योंकि पिछले हफ्ते ही उसे मैंने खुराक जो दी थी। अरे अम्मा जी आप काहे गुस्सा होते हैं, बहुरानी अभी खाना ले आएंगी, तब तक हम आपके लिए कुछ बना देते हैं। ना ही टोपा, तुम कुछ मत बनाओ, तुम्हारे कारण ही तो दोनों काम चोर हो गई बा। तुम ऐसा करो, तुम कुछ दिन के लिए अपने गाँव चले जाओ। काहे अम्मा जी हमसे क्या कुछ गलती हो गई का? अरे नहीं ऐसा कुछ ना है, बस मुझे इनका सबक सिखाना है, इसीलिए तुम कछु दिन के लिए अपने गांव चले जाओ। नीलम की बात सुनकर टोपा उदास हो जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि नीलम अपनी दोनों बहुओं से अच्छी तरह व्यवहार नहीं करती थी और वो अपना सारा सामान बांधकर अपने गांव के लिए निकल जाता है। लीजिए माँ जी खाना तैयार है, आप खाना खा लीजिए, आज मैंने आपकी मनपसंद सब्जी बनाई है। अरे हमका का तुरई पसंद है? पता नहीं तुमको का पागलपन सवार हो जात है, जो तुमने हमरे लिए तुरई बना ली। अब चलो जाओ यहाँ से। अरे कहाँ मर गई दोनों की दोनों, जल्दी बाहर आओ। का हुआ अम्मा जी, आप काहे हमका बुला रही थी? अरे काम खत्म हो गया का? जी माँ जी सब काम खत्म हो गया है, अब हम लोग आराम करने जा रहे हैं। बताइए आपको कुछ चाहिए था क्या? आराम करने जा रही है? का ये कोई धर्मशाला है जो आराम करने जा रही थी? चलो एक मेरे हाथ दबाओ और एक मेरे पैर दबाओ, हमारे हाथ पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। माँ जी हम भी काम करते करते बहुत थक गए हैं, तो हमको भी आराम कर लेने दीजिए। हाँ माँ जी रीमा एकदम ठीक कहत है, और हमरा सर में तो तेज दर्द होत है, इसीलिए आज आप खुद ही अपने हाथ पैर दबा लीजिए। अच्छा ऐसी बात है, ज्यादा हमसे जबान चलात है, अभी रुको डंडा उठाते हैं और इससे अभी तुम्हारा सारा दर्द और थकान मिट जाएगी। अरे नहीं अम्मा जी आप ऐसा मत करिए, सच में हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मोना की बात सुनकर नीलम को गुस्सा आ जाता है, वो उठकर एक डंडा उठाकर मोना को मारने लगती है। अरे माँ जी आप दीदी को क्यों मार रही हैं? उनके सर में सच में दर्द हो रहा है। रीमा की बात सुनकर नीलम को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो मोना के साथ रीमा को भी मारने लग जाती है। वो उन दोनों को खूब मारती है। यदि आगे से तुमने हमारा काम नहीं की ना, तो हम तुम दोनों को बहुत मारेंगे। और फिर वो डंडा फेंक कर वहाँ से चली जाती है। वो दोनों रोने लगती हैं। माँ जी हम पर इतना अत्याचार क्यों करती है, जबकि हम लोग तो सब काम करते हैं। हाँ तुम एकदम सही कहत हो, हमारे पति विदेश गए हैं, यदि वो यहाँ होते तो ये हमें परेशान नहीं कर पाती, पर तुम्हारे तो पति यही है, तुम अपने पति से कछु कहत काही रहे हो। आप ठीक कह रही है दीदी, आज मैं इनको सब कुछ बताऊंगी कि इनकी माँ हम पर कितना अत्याचार करती है। और इसके बाद वो दोनों उठकर अपने कमरे में चली जाती हैं। अरे रीमा ये तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लग गई, क्या हुआ, तुम इस तरह क्यों रो रही हो, आखिर क्या बात है, मुझे बताओ क्या किसी ने कुछ कहा? आपकी माँ हम दोनों पर बहुत ज्यादा अत्याचार करती है, मैंने आपको अभी तक इसलिए नहीं बताया था क्योंकि अभी तक हम सब कुछ झेल पा रहे थे, पर अब पानी सर से ऊपर उठ चुका है। क्या ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं कल ही माँ से बात करूंगा। नहीं आप उनसे बात मत करना, यदि आप उनसे बात करेंगे तो वो हमें फिर से मारेंगी, उन्हें किसी चीज से मतलब नहीं है, उन्हें बस हम दोनों को परेशान करना है। तुम चिंता मत करो अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी। माँ मैं क्या सुन रहा हूँ, आप भाभी और रीमा को मारती हैं? आप ऐसा क्यों करती हैं? ये हमारे घर की बहुएं हैं।
तो का मैं इनकी आरती उतारूं? यदि तुझे इतना दुख लगता है तो तू इनकी आरती उतार, मैं नहीं उतार पाऊंगी। और ये कहकर विजय वहां से चला जाता है। विजय के कहने पर नीलम को गुस्सा तो बहुत आता है, पर वो अपने गुस्से को शांत कर लेती है और कुछ दिनों के लिए वो उन दोनों से कुछ भी नहीं कहती है। धीरे धीरे समय बीतता है और फिर एक दिन रीमा नीलम को खाना देती है। नीलम खाना खाते हुए चिल्लाती है, तुझे खाना बनाना तो नहीं आता पर शिकायत करना तो खूब जानती है। उस दिन तो तूने विजय से शिकायत करी थी हमरी। चल जा अब यहाँ से। कलमू ही कही की, माजी मैंने आपकी शिकायत नहीं की थी, मैंने बस उन्हें बताया था जो आप हम लोगों के साथ करती हैं। ये सुनकर नीलम को गुस्सा आ जाता है और वो रीमा को थप्पड़ मार देती है। इससे रीमा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां पर विजय आता है और विजय घर का माहौल देखकर समझ जाता है कि कुछ ना कुछ जरूर हुआ है और वो अपनी माँ नीलम से कहता है, क्या बात है, आप लोग इतना शांत क्यों हैं? मैंने आपको उस दिन मना किया था कि आप रीमा और भाभी पर हाथ मत उठाना, पर लगता है आपकी समझ में नहीं आता है और अब मुझे आपको सबक सिखाना ही होगा। और फिर वह रीमा को नीलम का सारा सामान बांधने के लिए कहता है। रीमा नीलम के कमरे में जाकर उसका सारा सामान बांध कर ले आती है और विजय को दे देती है। अब आप इस घर से निकल जाएं, हमें आपकी अब जरूरत नहीं है, ये घर मेरा है और मेरे भाई का है। अरे बेटा तुम मुझे घर से मत निकालो, यदि तुम मुझे घर से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? आपसे अब मुझे कोई मतलब नहीं है, आप कहीं भी जाएं, यदि आप मेरी पत्नी और मेरी भाभी को मारोगे तो मैं आपको नहीं रख सकता। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों पर बहुत अत्याचार किए हैं, पर अब मैं आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तो देखा आप लोगों ने कैसे रीमा ने अपनी अत्याचारी सास को सबक सिखाया, जिससे नीलम सुधर गई और सही रास्ते पर आ गई।